ट्रंप की जीत से एक तरफ जेलेंस्की की बेचैनी बढ़ गई है तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया में भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में किम और ट्रंप की केमिस्ट्री काफी अच्छी रही थी। ऐसे में साउथ कोरिया को खतरा है कि कहीं किम जोंग उन इसका फायदा उठाकर परमाणु परीक्षण ना कर ले। नॉर्थ कोरिया के बार बार मिसाइल टेस्ट से साउथ कोरिया दहशत में है, क्योंकि साउथ कोरिया को अंदेशा है कि किम जोंग कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। अभी तक साउथ कोरिया लगातार नॉर्थ कोरिया पर पलटवार की धमकी देता रहा है, क्योंकि बाइडेन से लगातार मदद मिल रही थी। पीले सागर में अमेरिकी युद्ध पोत तैनात थे, लेकिन अब साउथ कोरिया सहमा हुआ है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की वापसी हो चुकी है और ट्रंप किम की केमिस्ट्री ठीक रही है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में किम से दो बार मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में अब ट्रंप और किम की केमिस्ट्री कहीं साउथ कोरिया को बैकफुट पर ना ढकेल दे, इसलिए साउथ कोरिया ने मिसाइल ड्रिल शुरू कर दी है। वो नॉर्थ कोरिया को दिखाना चाहता है कि मुकाबले के लिए वो तैयार है। उधर नेटो ने अंदेशा जताया है कि अब किम जोंग परमाणु टेस्ट कर सकता है, ऐसा ट्रंप की ताजपोशी से पहले हो सकता है। नेटो ने कहा है नॉर्थ कोरिया न सिर्फ साउथ कोरिया के लिए खतरा है, बल्कि उसका रूस से गठबंधन यूरोप में भी संकट पैदा कर सकता है। इस बारे में ट्रंप के साथ बातचीत में मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अमेरिका की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। यानी नेटो सहमा हुआ है कहीं ट्रंप किम की केमिस्ट्री से यूरोप में वर्ल्ड ऑर्डर ना बदल जाए, क्योंकि किम को लेकर ट्रंप ने अगर ढील दी तो किम जोंग उन उसका फायदा उठा सकते हैं।